छत्तीसगढ़ जगदलपुर के तोंगपाल के ताकेबेड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जीरम घाटी। आपको बता दें खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तोंगपाल वो इलाका है जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। ये वही जीरम घाटी का इलाका है जहां पिछले दिनों कांग्रेसी नेताओं पर नक्सलियों ने हमला करके हुए 30 नेताओं को मार दिया था। दोनों ओर से घंटों तक गोलीबारी हुई थी। इस दौरान एक बस में नक्सलियों ने आग भी लगा दी। आपको बता दें नियमित सर्चिंग के लिए निकले थे सीआरपीएफ की टीम पर नक्सलियों ने ये गोलाबारी शुरू कर दी। हालांकि फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी बंद हो चुकी है। इस घटना में 20 जवानों के शहीद होने की खबर है, वहीं 3 जवानों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जीरम घाटी में नक्सलियों की मुठभेड़ हो रही है। नियमित सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ की टीम पर हमला बोल दिया अचानक ही नक्सलियों ने। गोलीबारी दोनों ही तरफ से हो रही थी, इसमें 3 जवानों के घायल होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें ये वही इलाका है जहां पर कुछ वक्त पहले कांग्रेस नेताओं पर हमला किया गया था और 30 कांग्रेसी मारे गए थे इस नक्सली नरसंहार में। जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से फिलहाल गोलीबारी बंद हो चुकी है। इस घटना में 20 जवानों के शहीद होने की खबर है, वहीं 3 जवानों के घायल होने की सूचना मिल रही है। रिपोर्टर सतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सतेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, फिलहाल स्थिति क्या है वहां की? देखिए अभी भी सर्चिंग अभियान चल रहा है और हमें भी जानकारी मिल पा रही है, फौरी राहत के लिए पुलिस की अतिरिक्त बटालियन को रवाना किया गया है। लेकिन मैं अभी फिलहाल पुलिस मुख्यालय जो छत्तीसगढ़ का है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है लेकिन कोई भी अधिकारी पूरी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन हमें जो स्थानीय लोगों से सूचना मिल पा रही है, कई लोगों के शहीद होने की खबर है। आईआईडी ब्लास्ट किया गया है और इस आईआईडी ब्लास्ट में कई जवान, जिसमें सीआरपीएफ के भी जवान है, डिस्ट्रिक्ट फोर्स के भी जवान है और सीएएफ के भी जवान है, वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हो गए हैं। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि पिछली बार भी ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त पुलिस जो है वो शहीदों की संख्या के बारे में कंफ्यूज हो चुकी थी और कुछ पुलिसकर्मी। बिल्कुल सत्येंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।